हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ईजी का फर्स्ट यूनिट जो है कर्व्स, इंजीनियरिंग कर्व्स। और इंजीनियरिंग कर्व्स में टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, जैसे उसमें इलिप्स ड्रॉ करना है, हमें पैराबोला ड्रॉ करना है, हाइपरबोला ड्रॉ करना है, साइक्लॉइड ड्रॉ करना है, इन्वोल्यूट ड्रॉ करना है, स्पायरल ड्रॉ करना है, एपीसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है, हाइपोसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है। तो ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एलिप्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टिकलेज एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तब वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए तीन मेथड होती है। फर्स्ट मेथड है फिलहाल जो हमें आज पढ़ना है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। सेकंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जो रहेगा बाय रेक्टेंगुलर मेथड। और थर्ड मेथड जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। ओके, तो आज हमें पढ़ना है एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड में क्वेश्चन क्या रहता है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इलिप्स होता क्या है। व्हाट इज एलिप्स? एलिप्स जो शेप है वो किस टाइप से होता है? तो इलिप्टिकल शेप माने एक शेप, ओवल शेप। ओवल शेप जो एक शेप होता है माने अंडा जो जो शेप में होता है वो है एलिप्स। दैट इज इलिप्टिकल शेप माने एक शेप, वो इस टाइप से होता है। ये है एलिप्स, ये देखिए इसे कहते हैं एलिप्स। ये एलिप्स है, और ये एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें जो तीन मेथड यूज करना है उसमें से पहला मेथड आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आर्क ऑफ सर्कल मेथड। आज हमें ये मेथड से ये एलिप्स ड्रॉ करना है। एलिप्स ये ऐसा होता है, एलिप्स ओवल शेप दैट इज एक शेप। ये एलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक होता है ये और दूसरा होता है ये। ये जो एक्सिस है ये एक्सिस को कहेंगे मेजर एक्सिस, ये एक्सिस को कहेंगे माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जनरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ऑलवेज नहीं, जनरली ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। मेजर एक्सिस को हम कहेंगे ए बी और माइनर एक्सिस को हम कहेंगे सी डी। ठीक है, और ये मेजर एक्सिस के ऊपर फोकस होते हैं, इधर होता है फोकस एफ वन और इधर होता है फोकस एफ टू। ये दोनों फोकस यानी फोसा है, ये दोनों फोकस से एलिप्स बनता है। बाय यूजिंग दीज टू फोकस यू कैन ड्रॉ एन एलिप्स। यही दो फोकस से एलिप्स बना सकते हैं आप। अगर फोकस आप मार्क नहीं करेंगे तो आप ये मेथड में आप एलिप्स ड्रॉ कर नहीं पाएंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे बनता है इस टाइप का एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। क्वेश्चन हमारे सामने है। अब ये क्वेश्चन में मेजर एक्सिस का लेंथ दिया है 100 mm और माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है 50 mm। तो हमें देखना है कि ये दोनों लेंथ का यूज करके कैसे एलिप्स बनता है। ओके, सबसे पहले आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ये हम बनाएंगे मेजर एक्सिस जो कि रहेगा 100 mm का। तो ये हमने बनाया मेजर एक्सिस 100 mm का, इसको हम नेमिंग देंगे एज ए बी। इसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे 50 mm पे। तो ये हमने ले लिए सेंटर। सेंटर लेने के बाद हम लोग इसके बाद हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और ये यहाँ रखेंगे। और माइनर एक्सिस ड्रॉ करने के लिए 90 डिग्री का एंगल लेंगे इस तरह से, और अब माइनर एक्सिस ड्रॉ करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर माइनर एक्सिस मार्क करेंगे। माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है 50 mm, तो 50 का हाफ ऊपर मार्क करना, हाफ नीचे मार्क करना। 50 का हाफ 25 mm, सो 25 mm कंपास मिलेंगे। और 25 mm का लेंथ ऊपर मार्क करो और नीचे भी मार्क करो। तो ये हमने ऊपर और नीचे मार्क करे इस तरह से, और रिमेनिंग जो लेंथ है इसको इरेज कर दो। रिमेनिंग लेंथ इरेज कर देंगे तो ये हमारा माइनर एक्सिस बन गया।
जो कि है 50 mm, इसको नेमिंग देंगे सी डी। यहाँ बीच में जो सेंटर मिला इसको हम कहेंगे ओ। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एलिप्स बनता है। उसके लिए अब क्या करेंगे, अब हम फोकस मार्क करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि फोकस मार्क करना है, तो फोकस कैसे मार्क करेंगे वो देखो। उसके लिए आप कंपास लेंगे, कंपास में AO का लेंथ लेंगे, AO का लेंथ लेंगे आप कंपास में, A से लेके O का लेंथ लेंगे, ठीक है। उतना लेंथ आप C के ऊपर रखेंगे और इधर कट करेंगे, और उतना ही C का लेंथ लेके आप इधर कट करेंगे। तो इधर आपने कट करे, इधर आपको मिल गया फोकस F1 और इधर आपको मिल गया फोकस F2। देखिए बहुत सिंपल है, AO का लेंथ लीजिए, AO का लेंथ लेना आपने, AO का लेंथ लिए, C के ऊपर रखे, इधर कट करे तो मिल जाएगा F1, और उतना ही लेंथ C के ऊपर रखे, उधर कट करो तो मिल जाएगा F2। तो इस तरह से हमने फोकस F1 एंड F2 मार्क करे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, F1 से लेके O ये जो लेंथ है इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये चॉइस आपकी है, या तो 4 या तो 5 या तो 6 पार्ट में डिवाइड करिए, चॉइस आपकी है। वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ये लेंथ है। वैसे है, अभी हम इसको फिलहाल 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। स्केल से डायरेक्टली डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से डिवीजन करो, कम ज़्यादा लेंथ हुआ तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको 4 पार्ट में, फिलहाल 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करो, चॉइस आपकी। चलो फिलहाल हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, इस तरह से। तो ये फर्स्ट पार्ट नेमिंग देंगे, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, वो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को नेमिंग देने की ज़रूरत नहीं, उसको आपने ऑलरेडी सेंटर को ओ नाम दिया है आपने, ठीक है। तो ये इस तरह से, ओके। और ये अनइक्वल पार्ट्स हुए तो भी चलेगा, मतलब ये लेंथ अगर कम ज़्यादा हुआ तो भी ये चलेगा। स्केल से डायरेक्टली डिवाइड करना ज़रूरी नहीं, आप अपने हिसाब से डिवाइड करो, कम ज़्यादा लेंथ होता है तो भी चलता है, एलिप्स बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, ठीक है। तो अब इतना बनने के बाद क्या करेंगे, अब आप कंपास लेंगे। कंपास में याद रखो, देखो हम क्या बता रहे हैं, कंपास में A1 का लेंथ लेंगे आप, A1 कंपास में आप A1 का लेंथ लेंगे, माने A से लेके 1 का लेंथ लेंगे, ठीक है। उतना लेंथ आप F1 पे रखेंगे, ऊपर और नीचे आर्क करेंगे। तो ये हमने ऊपर और नीचे आर्क करे, ये आर्क जो आप बनाएंगे ये बिल्कुल फेंट बनाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं, और माने सेमी डार्क से भी फेंट, माने ये फेंट होना चाहिए, माने ये जो आपने वर्क किए हैं इससे लाइट होना, इससे फेंट होना, क्योंकि ये वर्क जो भी आप आर्क वगैरह अभी जो आप बनाएंगे वो सब फेंट होना। फेंट के लिए आप 2H या 3H या 4H पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं अप्सरा कंपनी में, ठीक है। तो A1 का लेंथ हमने लिए, ये जो A1 हमने लिखा है, A1 का लेंथ लिए, F1 के ऊपर रखे, ऊपर आर्क करे, नीचे आर्क करे, उतना ही लेंथ A1 का, सेम उतना ही लेंथ आप F2 के ऊपर रखो, अगेन ऊपर और नीचे आर्क करेंगे, इस तरह से बिल्कुल फेंट लाइट वर्क होना। इसके बाद A2 का लेंथ लेंगे, फिर A3 का लेंथ लेंगे, इस तरह से अपने वो करना है। तो पहले हमने A1 ले लिए, अब A2 का लेंथ लेंगे, A2 का लेंथ लेंगे आप, ठीक है। F1 के ऊपर रखेंगे, ऊपर और नीचे आर्क करेंगे, इस तरह से, ये देखिए, उतना ही A2 का लेंथ आप F2 के ऊपर रखेंगे, ऊपर और नीचे आर्क करेंगे। अब A3 की बारी, A से लेके 3 का लेंथ लेंगे, F1 के ऊपर रखेंगे, ऊपर और नीचे आर्क करेंगे, इस तरह से। उतना ही लेंथ आप A3 का, उतना ही लेंथ आप F2 के ऊपर रखेंगे, ऊपर और नीचे आर्क करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग B1 लेंगे, B1 का लेंथ लेंगे, B1 पहले हमने A1, A2, A3 का लेंथ लेके हमने 3 आर्क करे हैं, 3-3 इधर, 3-3 उधर। अब हम लोग B1 का लेंथ लेंगे, B7, B कहाँ है, देखिए B इधर है और 1 यहाँ पे है। कंपास लेंगे, कंपास को फैलाएंगे और B से लेके 1 का लेंथ लेंगे, B से 1 का लेंथ लेंगे आप, ठीक है, B से 1 का लेंथ लेंगे, और अब उतना ही लेंथ आप F1 पे रखेंगे, B7 याद रखिए, B1 का लेंथ लिए, B से लेके 1 का लेंथ आप कंपास मिलेंगे, F1 पे रखेंगे, F1 पे रख के अपोजिट साइड में जो फर्स्ट आर्क आपने बनाए थे उसके ऊपर आप मार्क करेंगे। तो B1 का लेंथ हमने लिए, F1 पे रख रहे,
और अपोजिट साइड में ये जो आपने ऊपर नीचे दो फर्स्ट आर्क बनाए थे उसके ऊपर आप कट करेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कट करेंगे इस तरह से। क्या किए, B से लेके 1 का लेंथ लिए, F1 के ऊपर रखे, अपोजिट साइड में फर्स्ट आर्क के ऊपर आपने ऊपर नीचे कट करे, उतना ही लेंथ B1 का, उतना ही लेंथ B1 का F2 के ऊपर रखो, F2 के ऊपर रखो और अपोजिट साइड में फर्स्ट आर्क जो आपने बनाए थे ऊपर नीचे उसके ऊपर कट करो। ये देखिए, और छोटे छोटे कट करना है, ज्यादा बड़े बड़े कट नहीं करना है, और बिल्कुल फेंट लाइट कट होना, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे आर्क मारने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम B2 का लेंथ लेंगे, B से 2 का लेंथ लेंगे, B से 2 का कंपोज में लेंथ लेंगे, अगेन F1 पे रखेंगे, अपोजिट साइड में ये सेकंड नंबर वाला जो आर्क है उसके ऊपर कट करेंगे इस तरह से, उतना ही लेंथ B2 का, उतना ही लेंथ B F2 के ऊपर रखो, अपोजिट साइड से सेकंड आर्क के ऊपर कट करो इस तरह से। उतना ही लेंथ हमने क्या किए, उतना ही लेंथ B2 का हमने लिए, F2 के ऊपर रखे, अपोजिट साइड में सेकंड आर्क के ऊपर कट करें। अब हम B3 की बात करेंगे, B3 से लेके 3 का लेंथ लेंगे कॉम्पोस में, B से लेके 3 का लेंथ कॉम्पोस में लेंगे, F1 पे रखेंगे वो लेंथ, और वो अब थर्ड आर्क के ऊपर कट करेंगे, यहाँ जो थर्ड आर्क है उसके ऊपर कट करेंगे। क्या किया हमने, B से लेके 3 का लेंथ हमने कॉम्पोस में लिए, F1 के ऊपर रखे, अपोजिट साइड में थर्ड आर्क के ऊपर कट करें ऊपर नीचे, उतना ही लेंथ B3 का, अगेन अब F2 के ऊपर रखो, उतना ही लेंथ B3 का, B3 का लेंथ चल रहा है हमारा, अब उतना लेंथ आप F2 के ऊपर रखो, और F2 के ऊपर रखे, अपोजिट साइड में ये जो थर्ड आर्क है इसके ऊपर कट करो इस तरह से। तो फाइनली हमने क्या किए, सभी के सभी आर्क हमने कट किए, अब इन सभी को ज्वाइन करना है। अब इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब ये सभी को हम ज्वाइन करेंगे तो जो कर्व बनेगा उसको हम कहेंगे एलिप्स। और ये ज्वाइन करने के लिए देखिए, अब ये कर्व ज्वाइन करने के लिए आपको फ्रेंच कर्व का यूज करना है, ठीक। तो ये फ्रेंच कर्व का यूज करके आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंच कर्व का यूज करके कैसे बनाना है, इसका एक्चुअली एक वीडियो मैंने बहुत दिनों पहले अपलोड किया था, उसमें ऑलरेडी मैंने एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड से कैसे ड्रॉ करना ये मैंने खुद से बना के आपको बताया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि फ्रेंच कर्व का यूज कैसे करना, ठीक है ना। अभी तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये देखिए अब हम डायरेक्टली एलिप्स ड्रॉ करेंगे, तो ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। एलिप्स को बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, ए या बी से आपको स्टार्ट नहीं करना है, फ्रेंच कर्व का भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ए या बी से स्टार्ट नहीं करना है, ये जो ऊपर का ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से आप लास्ट पॉइंट तक जाएंगे इस तरह से, और ये डार्क बनाएंगे, एच बी लीड पेंसिल का यूज करके ये डार्क बनाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से नीचे का, ठीक है, और अब बी के तरफ से और ए के तरफ से आप कर्व करेंगे, तो इस तरह से हमारा एलिप्स बनके तैयार हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में कहीं टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करने को लिखा है क्या। अभी तो फिलहाल यार क्वेश्चन में टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना, देखो हम आपको बता दें। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट, देन ओनली आप टेंजेंट बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो आपको टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिलने वाले नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बना सकते हैं। तो टेंजेंट कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। अब हम क्या करना है, सबसे पहले आप कॉम्पास में लेंथ लेंगे, पर्टिकुलर कुछ भी 20 mm या 30 mm ऐसा कुछ आप लेंथ लेंगे, और ये लेंथ आप दो फोसाई में से कोई भी एक फोसाई के ऊपर आप रखेंगे। कॉम्पास में उतना लेंथ लेंगे, और ये हमने F1 के ऊपर रखे, और अब इधर हम कट करेंगे कर्व के ऊपर, ये हमने कट करा, तो हमने यहाँ पे कट करा, ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट M, ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट आप फोसाई F1 और F2 से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये हमने क्या किए, फोसा F1 और F2 से हमने इसको ज्वाइन करे, ठीक है। अब इसके बाद इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है वो आप चेक करेंगे, इनके बीच में कंडक्टर का यूज आप जब भी कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आप एंगल आपको चेक करना है, तो क्या करेंगे, ये 0 डिग्री F1 या F2 दोनों में से कोई एक पे सेट करना है। तो ये देखिए हम ये 0 डिग्री यहाँ पे सेट कर रहे हैं, इसका 0 डिग्री F1 पे हमने सेट करे, ये जो 0 डिग्री है ये हमने F1 पे सेट करे, सेंटर यहाँ रखे, ठीक है ना, और ये F1 पे हमने 0 डिग्री रखे, और यहाँ से अब चेक करेंगे कि कितना डिग्री का एंगल है। तो फिलहाल तो ये हमारा 100 डिग्री के आसपास का एंगल बता रहा है,
100 डिग्री के आसपास एंगल बता रहा है, तो ये 100 डिग्री का एंगल है फिलहाल, ये 100 डिग्री का एंगल है। अब आप क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए 100 को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 50 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्टर हमारा 50 डिग्री पे आएगा, तो उसके लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करो और आप फिर से आप इसका सेंटर एम पे रखो, फिर से उसका 0 डिग्री F1 पे सेट करो और आप 50 डिग्री यहां से काउंट करो। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ये हमने 50 डिग्री यहां पे लिए इस तरह से, ये हमने पॉइंट मार्क करे और अब इसको M से होते हुए ज्वाइन करो। तो ये भी अब जब आप ये भी जब आप ज्वाइन करेंगे, ये भी जब आप ड्रॉ करेंगे, तो इसको भी आप डार्क बनाएंगे M से होते हुए इस तरह से। तो ये हमने बनाया, लेकिन ये जो हमने लाइन बनाया ये कोई टेंजेंट नहीं है, इसके इसे कहते हैं नॉर्मल, ये है नॉर्मल। और अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो हम बनाएंगे उसको कहेंगे टेंजेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, इसका सेंटर एम पे रखेंगे और ये 0 डिग्री जो है ये, तो ये देखिए ये जो सेंटर है ये एम पे रखेंगे और ये 0 डिग्री हमने यहाँ पे सेट करें और अब इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री आप लेंगे इस तरह से और अब इसको एम से होते हुए ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, तो इसके ऊपर आप लिख लेंगे टेंजेंट और इसके ऊपर आप लिख लेंगे नॉर्मल। इस तरह से तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन तैयार है, ये है एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। ओके, अब इसमें और कुछ फिनिशिंग करना है, और पूरा ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे लास्ट कि ये कितना mm का था क्या था, तो ये हम लिखेंगे 100 mm का इसका मेजर एक्सिस और ये हम लिखेंगे इसका माइनर एक्सिस दैट इज 50 mm का। तो फाइनली ये हमारा सॉल्यूशन पूरा तैयार है। आज हमने पढ़े एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, तो ये है एलिप्स। ये एलिप्स ड्रॉ करते समय एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि एलिप्स जो आप बनाएंगे वो डार्क बनाएंगे, HB लीड पेंसिल से बनाएंगे, सिंपल वाले पेंसिल से मत बनाएंगे आप, HB लीड पेंसिल से ही बनाएंगे, डार्क होना चाहिए। टेंजेंट और नॉर्मल ये भी डार्क होना चाहिए, ठीक है, और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये होना सेमी डार्क, माने न डार्क न फेंट, ज्यादा फेंट भी नहीं ज्यादा डार्क भी नहीं, ये सेमी डार्क होना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेमी डार्क ड्रॉ करना है। एलिप्स आपको डार्क करना है, नॉर्मल आपको डार्क करना है और रिमेनिंग जितने आर्क वगैरह हैं वो आपको बिल्कुल फेंट लाइट आपको ड्रॉ करना है। नेमिंग वगैरह जो आप दे रहे हैं, ये डायमेंशन जो आप लिख रहे हैं, ये सेमी डार्क में लिखना है। तो ये आपका सॉल्यूशन तैयार है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही ऑब्लॉन्ग मेथड। तो ये हमारा वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो आज का समझ में आया है, पसंद आया है, और तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको शेयर करिए। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो जो है वो आपको ऐसे ही मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।